सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि हाजी इकबाल पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। कोर्ट से NBW वारंट भी जारी होने के बाद पुलिस ने उसके मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बेहट मनीष चंद के नेतृत्व में बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार पांडे और मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हृदय नारायण सिंह भारी पुलिस बल के साथ ग्राम मिर्जापुर पोल पहुंचे। 25,000 के इनामी खनन माफिया हाजी इकबाल के मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व MLC खनन माफिया हाजी इकबाल के 3 बेटे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके साथ उनके भाई पूर्व MLC महमूद अली को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। खबर गोंडा से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 सगे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। साथ ही अन्य परिवार की महिला और सदस्यों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। साथ ही मौके पर उच्च अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कोई जानकारी मिली कि उनके खेत में किसी ने पिलर गाड़ दिया है, उनके पक्ष पटीदार है लक्ष्य तिवारी, तो फिर ये मौके पर जब वे खेत में गए तो लक्ष्य तिवारी उनके परिवार के लोगों ने नाचे बंदो थे पिलर गाड़ने के सांपर और हला भी बताया जा रहा है। उससे मारपीट करी जिससे उनको छोटे आई अरुण मिश्रा का, दिवाकर मिश्रा का और अरुण दिवाकर की पत्नी मनोज को, तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर अरुण मिश्रा की मृत्यु हो गई है। दिवाकर मिश्रा और मनोजा का जो है इलाज चल रहा है। अभी उनके घर वालों से पहले बात करेंगे, जो भी अग्रिम पुलिस कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद से सोरो कासगंज जा रहे बाइक सवार कावड़ियों पर आपको बता दें कि ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 कावड़ियों को चोट आई है। इसी दौरान घटना की जानकारी पर पुलिस ने दोनों कावड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जिसके बाद कावड़ियों को देखने के लिए COCT अभिषेक श्रीवास्तव अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। बाराबंकी में युवाओं और अल्पसंख्यक समाज की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल हुए। यह यात्रा बाराबंकी के प्रमुख बाजारों से होते हुए सागर इंस्टीट्यूट के पास समाप्त हुई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में युवाओं ने और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर एकता की मिसाल पेश की है। एटा में 2 बाइक सवार कावड़िये ट्रैक्टर से टकरा गए। हादसे में एक कावड़िये की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बाइक सवार कावड़िये ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहे थे, जिसके चलते ये हादसा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल कावड़ियों को एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, जिसके बाद चिकित्सकों ने एक कावड़ियों को मृत घोषित कर दिया। एटा सदर विधायक विपिन वर्मा ने कावड़ियों की सड़क हादसे में मौत पर दुख जताया है। देखिए, बड़ी दुखद घटना है जी। इसमें समय में सब व्यक्त करना चाहूंगा कि हम सब लोग स्वयं अनुशासन रहते हुए धार्मिक यात्रा को पूरा, मैं अपने सभी कावड़ यात्राओं में जो भी हिस्सा ले रहे हैं सभी युवा वर्ग से भी कहूंगा कि वो मोटरसाइकिल चलाते हुए सहमत होकर चलाएं, जोश के साथ, होश के साथ अनुशासन का पालन करें और जीवन है ये चिंता करें, घर तक पहुंचे, अपनी जो यात्रा है उसको मंगलमय करते हुए कल अपना शिव मंदिरों में अपना अपना जलाभिषेक करें और लेकिन अनुशासन का पालन करें तेजी में। शाहजहापुर के पुवैया कस्बे में बने शिव मंदिर में एक चमत्कार देखने को मिला, जहां भगवान भोलेनाथ के पास बैठे नंदी बाबा शिव भक्तों के हाथों से दूध पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां नंदी महाराज को दूध पिलाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्जनों भक्त अपने हाथों से नंदी बाबा को दूध पिला रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का ये प्रसिद्ध मंदिर पुवैया कस्बे के मोहल्ला कमलबाग में स्थित है।
तो शिव मंदिर में चमत्कार हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में नंदी बाबा ने भक्तों के हाथों से दूध पिया, मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। तो यूपी के शाहजहांपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। शिव मंदिर में चमत्कार देखने को मिला, नंदी बाबा ने भक्तों के हाथों से दूध पिया तो मंदिर में भक्तों का तांता नजर आया। शाहजहांपुर में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथों में अवैध तमंचा लेकर खुलेआम फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। पूरा मामला थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम बंधा का बताया जा रहा है। इस मामले में गांव की ही सावित्री देवी ने थाने में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने खेत में पति के साथ पेड़ कटवा रही थी। इसी बीच गाँव के दबंगों ने पेड़ काटने का विरोध करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लाइव फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस मामले को दबाने में जुटी हुई है। बागपत स्थित श्यादाद कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा न होने के विरोध में जमकर हंगामा किया और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम कर दिया। घंटों तक जाम लगे रहने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत कर उन्हें मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन घंटों की वार्ता के बाद बागपत के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को काफी समझाया, लेकिन वे माने नहीं। इस दौरान छात्रों की पुलिस से कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। घंटों की वार्ता के बाद पुलिस ने छात्रों को जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत करा दिया, जिसके बाद ही छात्रों ने जाम को खोला। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य ने छात्रों को अगले महीने परीक्षा करवाने का आश्वासन दिया है। बुलंदशहर में ब्रजघाट से लौट रहे वाहन को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि वाहन में कई लोग सवार थे, इसी दौरान हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहजहांपुर में शराब के नशे में धुत यूपी पुलिस के सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में धुत सिपाही ने बीच रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, साथ ही सिपाही ने राहगीर के साथ बदसलूकी भी की। शराब के नशे में धुत सिपाही ने पुलिस कप्तान के साथ भी अभद्रता की। थाना सदर बाजार के मोहल्ला मोहम्मद जलाल नगर का बताया जा रहा है ये वीडियो। वही का बताया जा रहा है नहीं 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 बदतमीजी मत करना हमसे। तो सिपाही ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। यूपी के शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कप्तान के साथ भी अभद्रता किया गया। नशे में धुत पुलिस का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, चलते फिरते राहगीरों के साथ भी बदसलूकी की, साथ ही पुलिस कप्तान के साथ भी अभद्रता की। तो नशे में धुत ये जो पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से कि अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है, नशे में धुत पुलिस का ये वीडियो यूपी के शाहजहांपुर का बताया जा रहा है। तो सिपाही ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पुलिस कप्तान के साथ भी इसने अभद्रता की। तो नशे में धुत पुलिस का ये वीडियो वायरल हो रहा है, सिपाही ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, साथ ही पुलिस कप्तान के साथ भी अभद्रता की। आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसे श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन के आखिरी सोमवार को बागपत के पूरा गांव स्थित श्री परशुरामेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया, साथ ही सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात है। पूरा गांव के ग्रामीण भी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा जिले के अन्य शिवालयों में भी भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। यही कारण भी है कि इस बार 20 लाख कांवड़ियों ने यहाँ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया है। भी लगाओ
सावन का आखिरी सोमवार है, मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यूपी के बागपत से ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जलाभिषेक करने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता नजर आ रहा है। तो श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, यूपी के बागपत से ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।